कुशेश्वर स्थान में चिराग कांग्रेस रहे बेअसर, दोनों को मिलाकर आए 11,225 वोट, यह जेडीयू के उम्मीदवार की जीत के अंतर से भी कम है। काम नहीं कर रही थी तीन ईवीएम, वोटरों ने तोड़ी। वैशाली के मतसंख्या 147 पर मतदाताओं ने किया जमकर हंगामा, 3 घंटे मतदान बाधित। मुजफ्फरपुर में हादसे में मौत पर बवाल, तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर हुई थी मौत, गुस्साए लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर किया हंगामा। जहानाबाद में डॉक्टर का मर्डर, धनतेरस की पूजा करने क्लिनिक जा रहे थे डॉक्टर दंपत्ति, बदमाशों ने की लूटपाट, विरोध करने पर मारी गोली। मुजफ्फरपुर में गया घाट में काली पूजा को लेकर 151 कन्याओं के साथ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। रोहिणी बोली धनबल की जीत और लोकतंत्र की हार हुई, दोनों सीटों पर हार के बाद लालू की बेटी ने जनादेश लूटने का लगाया आरोप। महागठबंधन एकजुट होकर लड़ता तो भी हार जाता, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह आरजेडी कांग्रेस के वोट मिलाकर भी 44%, जदयू को अकेले 46% वोट। नीट में मोतिहारी के सौरभ को 249वां रैंक, जिले के कई स्टूडेंट्स को मिली सफलता, आंजिक रंजन संदीप व खालिद को बेहतर रैंक। वैशाली में सड़क हादसे में एक की मौत एक घायल, देरी से मजदूरी कर घर लौट रहे थे दो युवक, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वैशाली में बाइक एजेंसी संचालक की हत्या, एजेंसी बंद कर लौटे थे, लूट का किया विरोध, घर के गेट पर मार दी गोली। मुजफ्फरपुर में रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने की बनाई रणनीति, 8 से 17 नवंबर तक 24 घंटे खुले रहेंगे जंक्शन के सभी जनरल टिकट काउंटर, किसी भी हाल में नहीं बदला जाएगा ट्रेनों का प्लेटफॉर्म। 1 करोड़ का टिकट घोटाला, परिवहन निगम के छपरा डिपो में बुकिंग शाखा से कम दाम पर टिकट लेकर प्रिंट रेट पर यात्रियों को देते थे कंडक्टर व क्लर्क। खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ एक्टिव, मुजफ्फरपुर के रामबाग रोड में फंगस लगा लड्डू बेच रहा था दुकानदार, धावा दल ने फिकवाया, 14 दुकानों से 43 सैंपल जांच को भेजा। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब का मामला, समाज सेवियों ने सरैया के तत्कालीन थानेदार के गिरफ्तारी की मांग की, डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर में वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर बूथ पर हंगामा, असली मतदाता की जगह फर्जी महिला के आने पर विवाद, पोलिंग एजेंट से भी उलझे,